अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, मुझे मुबारक भाई। वेलकम टू पार्ट फोर। जी ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट फोर में आप क्या दिखा रहे हो, कौन से बकरे दिखा बड़े रहे? बकरे माशाल्लाह 150 किलो प्लस वाले सब। ये भी 150 प्लस वाले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक झलक में एक बार दिखा दूं, फिर डिटेलिंग आराम से इनको खड़ा करके आराम से डिटेलिंग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे बकरे हैं, ठीक है, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, स्किप मत करिएगा, पूरी डिटेलिंग लेंगे इमरान भाई से। एक एक करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सारे बकरे, ठीक है, फिर सबकी डिटेल इत्मीनान के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बकरे आप देख लीजिए सारे के सारे, अब डिटेलिंग की बारी। फ्रेंड्स एक एक करके मैं ये बकरे दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए, जो बकरा आपको पसंद हो स्क्रीनशॉट करके इमरान भाई को भेज दीजिएगा, वो बाकी की सारी डिटेल आपको फोन पे मुहैया करा देंगे। तो इमरान साहब जी मुबारक, बताइए इस बकरे की डिटेल बताइए। इसकी 44 हाइट है माशाल्लाह जी, और हाइट और वजन में इसका वेट होगा 140 किलो जी। दांतों में 8 दांत है, 8 दांत है पूरा, है ना। फ्रेंड्स जरा मैं एक बार नजदीक से दिखा देता हूँ, आप देख लो, ठीक है, आंख है, कान वगैरह देख लीजिए फ्रेंड्स। एक बार मैं पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ ये पूरा बकरा, ठीक है इमरान साहब, इसकी डिटेल बताइए। ये 45 हाइट पे है मुबारक भाई बकरा, और इसका वेट माशाल्लाह 160 किलो होगा, 160 केजी जी जी माशाल्लाह 160 किलो बकरा, और बिल्कुल नया बकरा है ये बकरा, और भी एक साल अगर कोई भाई पालना चाहे ना जी, ये जी बकरा आराम से पलेगा। इसकी बकरे की लंबाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेंथ बहुत है माशाल्लाह जी, ठीक है ना, नॉर्मली इतनी लेंथ मिलती नहीं है बकरों में जी जी, बहुत अच्छी लेंथ का बकरा ये। तो फ्रेंड्स मैं एक बार दिखा देता हूँ नजदीक से, आप देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल भराई वाला सा लग रहा है इमरान साहब जी जी माशाल्लाह, है ना, पूरा भराई वाला सा बकरा है, शाइनिंग भी माशाल्लाह खूब अच्छी है इसमें, फिट फाट है एकदम बकरा, है ना, पूरा फिटिंग है, ठीक है। इस बकरे की डिटेल बताइए। ये माशाल्लाह मेवाती है, और बहुत लंबाई का, बहुत अच्छी लेंथ का बकरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी भी 45 हाइट है, और वेट में ये बकरा 150 किलो होगा माशाल्लाह। है पलटी वाला बकरा ये जी जी, आराम से देखो ना आप इसके पैर वगैरह बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे शानदार बकरा है, तो आराम से और भी एक साल रुक भी सकता है। चलो मैं नजदीक से एक बार दिखा देता हूँ आपको, चलो भाई देख लीजिए फ्रेंड्स बकरों की क्या तैयारी, क्या वेट है, कैसा है। एक डेमो तो मैंने आपको वेट का दिखा दिया है पिछले एपिसोड में पार्ट में, अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये तीन बकरे, दो बकरे और इमरान साहब, क्योंकि फ्रेंड्स धूप है काफी, इस वजह से जगह थोड़ी जो सही मिल रही है वहां पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो थे वो तीन बकरी की जगह थी। तो चलो मैं इन तीन बकरे की पहले आपको चाल दिखा देता हूँ एक एक करके, चलिए भाई लेके चलिए ना। ठीक है चलिए साहब, आप चलिए, तो इमरान साहब ये बकरे की डिटेल जरा दीजिएगा सर। भाई माशाल्लाह ये 45 हाइट पे बकरा है जी, और दांतों में अभी फ्रेश 6 दांत है, अभी 8 दांत भी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, और वेट में माशाल्लाह बकरा 145 से 150 किलो के आसपास है। तो अगर ये कोई भाई पसंद करता है तो उस टाइम पे आप इसके दांत के वीडियो वगैरह, वेट वगैरह आपको अभी दिखा देंगे माशाल्लाह, अभी इसी वीडियो में दांत दिखा देते हैं, और वेट का अगर कोई बोलेंगे तो इंशाल्लाह जब वेट करके भी उसका वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो दांत दिखा देते हैं जी जी, दिखा दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार बकरे की मैं बनावट आपको पहले दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, इस बकरे का हम दांत भी दिखाएंगे, थोड़ा एक बार बेचैन है बकरा, सेकंड बकरे को हम कवर करते हैं, भाई आगे लाइए इस बकरे को, बस 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 थोड़ा पीछे हटा, हाँ बस। तो इमरान साहब ये बकरे की डिटेल आप बताइए। ये भाई 44 हाइट पे है और 140 किलो वेट पे है। हाँ क्या, 44 हाइट है
जी 140 किलो वेट है माशाल्लाह। 140 किलो वेट है जी। ठीक है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ नजदीक से, फ्रेंड देख लीजिए। ठीक है सारी चीजें आपके सामने। ये जो दूसरा बकरा था इसको मैं एक बार दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बेचैन है ये बकरा। ये छह दांत वाला फ्रेंड्स ये बकरा है, तो इसके कोई दांत दिखाएगा एक जन जरा कोई आ जाए। तो इमरान साहब जी मैं अभी ये बकरा तो हो गया आपका जी जी। ठीक है अब ये बकरा है इसके छह दांत अभी देखो माशाल्लाह, आठवां लास्ट वाला दांत निकालेंगे। फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए आराम से। ठीक है तो इमरान साहब ये आपका जो पार्ट था इसका और बकरे हैं? नहीं इसमें तो अभी और बड़े बकरे तो और माशाल्लाह बहुत है, आप तो बहुत है, लेकिन अभी वीडियो ये बड़ी हो जाएगी ना इसके लिए, इसलिए। तो इमरान साहब आपके बाड़े में जी कितने बकरे हैं अभी सारे? मेरे पास अभी टोटल माशाल्लाह 500 बकरे। 500 जी। तो ये साल देवनार आने का इरादा है? हाँ इंशाल्लाह देवनार तो हर साल आते ही है, और अगर देवनार खुलेगा तो जरूर आएंगे भाई, अल्लाह ताला खोल दे। तीन साल हो गया है ना, हमारे भाई जितने भी हमारे भाई जो कुर्बानी करते हैं ना मुंबई वाले, और दूर दूर से लोग देवनार बहुत शौक से आते हैं। देवनार को सब मिस करते हैं भाई, व्यापारी भी मिस करता है और खरीदार भी मिस करता है, देवनार जगह ही ऐसी है माशाल्लाह। फ्रेंड्स दुआ करो कमेंट में बताना मुझे कि देवनार इस साल खुल जाए ताकि हमारे भाइयों का सारों का शौक पूरा। रिस तो मेरा रब देता है, कम ज्यादा जो भी दे रहा है मेरा रब दे रहा है, वो तो हम हिस्स और किना करें भी ना उस चीज के बारे में, वो बात अलग है। तो इमरान साहब शुक्रिया आपका। ठीक है तो इस पार्ट को आप एंड कर दे। हाँ जी हाँ इसको यही एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगले पार्ट में आपको और बकरे दिखा, आगे के पार्ट और बाकी है। तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात। टिल देन अल्लाह हाफिज़।